सो हे गाइस वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोज भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूं तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगा एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इसके साथ साथ आपके कमेंट्स का आपको अर्ली रिप्लाई मिलेगा और आपको कम्युनिटी में स्टॉक रिकमेंडेशंस भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मेंबरशिप में ही मिल सकती है तो इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की हुई है वही अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके तो वहां से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो सो so, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी फिफ्टी के साथ तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है की क्लोजिंग आई है 17,573 के पास और बैंक निफ्टी की के निफ्टी ने के नीचे की क्लोजिंग हमें दे दी है सो विद एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन इन द मार्केट गेव अवे मोर ऑन अ डे वेन एवरी विद विद एक्सेप्शन ऑफ tcs वॉज पाउंडेड एज फाइनेंशियल वार Turn apart. An economic package worth more than 10% of GDP, yet impacting fiscal deficit to the tune of under 1%, failed to cheer bulls who feared demand may not get the desired boost to spur consumption. So, markets continue their downtrend with no signs of recovering. I expect this southward trend to continue. First pit stop would be 8,650 and 750 range, where the markets might decide to take a breather.

8900 के नीचे की क्लोजिंग हमें दे दी है सो निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो द क्रूशियल लेवल ऑफ 8900 एंड हेंस इंटरमीडिएट ट्रेंड हैज टर्न डाउन 8650 इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी वाइल 8909 विल बी एट रेजिस्टेंस अभी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है

गुड रेजिस्टेंस so, के, के लिए और ज्यादा लेवल जो है वो खुल रहे हैं फिलहाल अभी देखने वाला लेवल रहेगा एट थाउजेंड सिक्स एंड सेवन फिफ्टी का यहाँ पे मार्केट थोड़ा वृद्ध कर सकता है यहाँ से थोड़ा रोक सकता है और यहां से और ज्यादा डाउन साइड के लिए भी जा सकता है अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये जोन के नीचे जाता है तो डाउन साइड के लिए फिर से 8000 और 8200 तक फिर गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है सो so, फिलहाल अभी हम लोग पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं सो so, अभी मेरे सामने निफ्टी की ट्वेंटी फर्स्ट मे की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है एट थाउजेंड एट ट्वेंटी थ्री के पास तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखे हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो कॉल साइड में जो हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है ट्वेंटी वन लैक्स का जो कि है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लेवल के ऊपर सेकेंड हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है सेवन लैक्स वन थाउजेंड का जो कि है नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड के लेवल के ऊपर वही अगर हम लोग देखें आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है कॉल साइड में तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें देखने को मिली है 14 लैक्स ,00 की जो कि है 9000 के लेवल के ऊपर तो अगर अब अ, हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो वो है 9500 एंड 9200 के ऊपर और हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे हुई है 9000 के ऊपर तो यहाँ से अगर हम लोग अपसाइड के लिए निफ्टी 50, 50 के लिए रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 9000 थाउजेंड का भी देखिए हम लोग पहले बोल रहे थे नाइन का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है तो अभी सपोर्ट फिलहाल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है अभी ये लेवल को पार करना फिर से निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है वही इसके बाद में जो सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा नाइन का लेवल फिर यहां से निफ्टी हमें 9500 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है अगर 9200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो इसके बाद में 9500 का हडल रहेगा निफ्टी 50 के लिए तो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है फर्स्ट 9000 का लेवल 9200 का लेवल और 9500 का लेवल वही सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो पुट साइड में हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 11 लाख का जो कि है 8,500 के लेवल के ऊपर वही आज अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग भी हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है थ्री लाख की जो की हुई है एट के ऊपर तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था एट और

वही अगर हम लोग देखें डाउन साइड की बात करें तो 8000 के लेवल के ऊपर एटी थ्री थाउजेंड का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और आज 88000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग भी हुई है तो अगर निफ्टी 8500 के नीचे जाता है तो यहाँ से 8000 तक गिरता हुआ फिर हमें और ज्यादा दिखाई दे सकता है सो निफ्टी फिफ्टी के लिए यहाँ से डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे फर्स्ट एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेवल और इसके बाद में नेक्स्ट एट थाउजेंड का लेवल सो निफ्टी फिफ्टी के लिए हमने ऑप्शन डेटा से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देख लिए हैं तो so, चलिए चलते अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी फिफ्टी के सो so, अभी मेरे सामने निफ्टी का वन डे कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म की है एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है सो आफ्टर शोइंग रेंज बाउंड मूवमेंट इन द लास्ट फ्यू सेशंस निफ्टी विटनेस शार्प वीकनेस टुडे तो एंड क्लोज द डे लोअर बाय 300 points. So long beer candle was formed, which indicates downside breakout of the range movement. So downside pattern target of previous bearish Island reversal pattern of 4th May has been reached today at 8911 And Nifty closed below it. So after showing minor higher highs and higher lows pattern on the daily chart in the last month, Nifty is currently showing negative sequential movement like lower highs and lows in the last couple of weeks so this is negative indication and any attempt of intra week rise is expected to find selling pressure at the high so short term trend of nifty is negative any attempt of upside bounce could find resistance around 8950 and 9000 levels so next downside levels to be watch out at 8500 in the next one week So, यहां से निफ्टी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा बैरिश हो गया है मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी के लिए इस रेंज का ब्रेकआउट मिलना इंपॉर्टेंट है 9500 से लेके 8900 के बिलो तो यहाँ पे निफ्टी ने हमें डाउनसाइड के लिए ब्रेकआउट दे दिया है 8,900 के नीचे की क्लोजिंग देकर सो so यहां से निफ्टी के लिए डाउनसाइड के लिए 8,500 का नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है अगर निफ्टी यहां पे नहीं रुकता है तो और ज्यादा डाउनसाइड के लिए फिर गिर सकता है सो so निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से रहेंगे ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो so निफ्टी के लिए यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा एट का लेवल अगर ये सपोर्ट निफ्टी तोड़ता है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एट थाउजेंड सिक्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल से जो आपको आपके चार्ट के ऊपर मार्क करने हैं वही अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपसाइड के लिए यहां से जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा एट का लेवल अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 9050 और 90180 का लेवल ये अपसाइड के लिए फिर निफ्टी फिफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ लिया करो मैं आंसर कर दूंगी वही निफ्टी 50 के अंदर अगर हमने देखा होगा आज तो आज निफ्टी ने 9158 के पास ओपनिंग की थी इंट्राडे हाई भी वहीं पे किया था और लो किया था 8806 के पास सो थ्रू आउट द सेशन निफ्टी हमें गिरता हुआ दिखाई दिया था सो so, यहाँ पे निफ्टी के लिए फिलहाल जो अभी क्रूशियल लेवल बना हुआ है वो है 8750 का अगर ये लेवल के नीचे फिसल जाता है तो डाउन साइड के लिए इनिशियली हम लोग निफ्टी को एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड के तरफ बढ़ते हुए अपसाइड के लिए अगर आप देख रहे हो निफ्टी 8,910 के ऊपर 30 से 40 मिनट तक ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से निफ्टी हमें 9,050 और 9,180 के तरफ फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है सो so, निफ्टी 50 के लिए मैंने अपने लेवल्स जो है वो आपको बता दिए हैं अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर So, अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 17,573 के पास और मेरे सामने ट्वेंटी मई के की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें highest ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो कॉल साइड में जो highest ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 19, और 19, के लेवल के ऊपर वही कॉल साइड में आज अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग पे हुई है तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की एडिंग हमें देखने को मिली है एटीन के लेवल के ऊपर जो की हुई है फोर लैख सिक्सटी की तो यहाँ पे अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो मैंने आपसे कहा था बीस हजार टूटने के बाद निफ्टी हमें निफ्टी बैंक एटीन थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में फंसा हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन यहाँ पे आज निफ्टी बैंक ने अठरा हजार का क्रूशल लेवल भी तोड़ दिया है, क्लोजिंग के और जो है, वो अभी है निफ्टी बैंक के लिए भी और एटीन के नीचे की क्लोजिंग मिली है तो ये और ज्यादा चिंताजनक बात रहेगी कि यहाँ से निफ्टी हमें और ज्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है वही अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखिये यहाँ से तो देखिए अभी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है अठारह हजार का लेवल अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक चढ़ जाता है और सस्टेन भी हो जाता है तो यहां से फिर से हमें नाइनटीन तक फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है देखिए अभी ये मार्केट जो है फिलहाल सेल ऑन राइज है यहाँ से अगर हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा भी तो वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक के अंदर भी और निफ्टी के अंदर निफ्टी बैंक so, के लिए सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे बना हुआ है तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है थ्री लैख सिक्स था जो की है निफ्टी बैंक के लिए वो लेवल बना हुआ है सत्रह हजार का लेवल और अगर ये लेवल टूटता है तो निफ्टी बैंक हमें चौदह हजार के लेवल्स तक गिरता हुआ फिर दिखाई दे सकता है सो तो निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो स्टडी कर लिया है तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के सो so, अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 17,000 थाउजेंड 573 के पास सो so, आज अगर हमने देखा निफ्टी बैंक के अंदर सो so, निफ्टी बैंक ने ओपनिंग की थी 18795 के पास इंट्राडे हाई भी वहीं पे किया था और लो किया था 17514 के पास और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 17573 के पास सो so, आज अगर हमने देखा निफ्टी बैंक ने 17500 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया इसी के ऊपर ही रहा भी नेक्स्ट सेशन में ये देखना इंपॉर्टेंट है कि 17,500 के नीचे जाता है या फिर इसी के ऊपर ट्रेड करता है अगर निफ्टी बैंक 17,500 के नीचे ट्रेड करता है 30 से 40 मिनट तो यहाँ से डाउन साइड के लिए 17,000 और 16,800 तक के लेवल्स हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर फिर देख सकते हैं वही अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड के लिए अगर आप देख रहे हो निफ्टी बैंक सेवनटीन थाउजेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें अठारह और 18,300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है सो निफ्टी बैंक के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स रहेंगे यहाँ से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 17,300 का लेवल इसके बाद में 17,050 का लेवल और 16,850 का लेवल अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे यहाँ से फिफ्टी का लेवल 18000 का लेवल और 18350 का लेवल ये अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं निफ्टी बैंक के लिए सो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकता है और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बोल सकते हो मैं आंसर कर दूंगी कमेंट्स में पूछ लिया करो या फिर मुझे मेल कर दो मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगी Yeah. <laughs> सो so, अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वही अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली